Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Noreena. If you like our videos and channel then please like and subscribe to us. जी नासिन, आज की वीडियो है अबाउट माउस प्लेग, जिसके बारे में एक वीडियो है मेरे पास जो मैं पहले आपको दिखाऊंगी, फिर इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे. Devastating regional communities in New South Wales is taking its toll, with fears it could wipe more than $1 billion from the value of winter crops. Farmers have been forced to burn supplies of hay and grain. Food supplies have also been hit hard, with the rodents infiltrating businesses and homes. Many say the plague is relentless and showing no signs of slowing down. जैसा कि न्यूज़ आपने सुनी कि बिलियन डॉलर्स का अनाज है वो ख़राब हो चुका है. हाउसेस जो हैं वहाँ पे न्यू साउथ वेल्स रीजनल एरिया में चूहे हर जगह उनके घरों में मौजूद हैं, उनका जीना हराम कर दिया हुआ है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर 10 साल के बाद माउस प्लेग होता है. फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है, किसानों को, कि अपने अनाज को जला दें, बर्न कर दें. और सवाल ये है कि वो ये किस तरह से पैदा हुए, तो वो ये था कि वेट समर था और वेट समर ने बहुत सारा अनाज उगाया इस साल, जिसकी वजह से जब कोल्ड वेदर आया तो जो माउस की ब्रीडिंग के लिए कोल्ड वेदर बहुत अहम होता है उनकी ब्रीडिंग को ज़्यादा करने के लिए, तो उसने उसकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा माउस पैदा हुए. और अब फार्मर्स हर तरह का पेस्ट कंट्रोल और सब कुछ कर चुके हैं और कुछ उसका असर नहीं हुआ. फार्मर्स अलग परेशान हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ खास नहीं किया. तो अब सवाल ये उठता है कि ये माउस प्लेग जो रीजनल एरिया न्यू साउथ वेल्स में था, क्या सिडनी की तरफ आएगा, और आएगा तो इसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा. लोग परेशान हैं, अगर आ चुका है तो हमें बताइए और अपनी राय का इजहार कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.